अल्ट्रा अफोर्डेबल यस। और सारी चीजें जो भी मैंने परचेज की है ना इस बार नायका के पिंक लव सेल से, वो सारी की सारी अंडर ₹100 है एंड डिस्काउंटेड प्राइस में मुझे मिली है। तो सोचो कितनी ज्यादा अफोर्डेबल ये हॉल वीडियो आज का होने वाला है। आई होप आपको ये काफी पसंद आएगा एंड हेल्पफुल भी लगेगा ये वीडियो। और हाँ, इस हॉल वीडियो में मैं प्रोडक्ट्स को जस्ट शोकेस करूंगी एंड अगर हुआ तो क्विक रिव्यू ही मैं आपसे शेयर करूंगी। अदरवाइज अगर आपको डिटेल रिव्यू देखना है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहे सारे प्रोडक्ट्स। सो फर्स्ट प्रोडक्ट है फ्रॉम द ब्रांड इनसाइड। इस बार मैंने बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स बाय किए हैं वो इनसाइड ब्रांड के ही हैं। तो यहाँ पे है ये इनसाइड का कंसीलर एंड दिस इज द शेड बेज। और आप देख सकते हो कितनी छोटी सी इसकी पैकेजिंग है और ये काफी स्टडी ट्रेवल साइज पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं। सो ये कंसीलर मैंने बाय किया हुआ है NC2 बेज। इसका एक्चुअल प्राइस है ₹105। पहले ये ₹99 और ₹90 के आते थे, अभी इन लोगों ने प्राइस इसके बढ़ा दिए हैं। बट ऑन सेल आपको काफी कम प्राइस में ये मिल जाएंगे। मुझे आई थिंक ये 25% और 30% ऑफ में मिला है एंड इस तरह का है ये शेड। अगर आप मेरे स्किन टोन में हो मीडियम और वीटिश तो ये येलो अंडरटोन कंसीलर आप यूज कर सकते हैं। क्रीम बेस्ड कंसीलर है ये। इनका जो भी डिस्काउंटेड प्राइस होगा वो मैं स्क्रीन पर आपसे शेयर कर दूंगी। जो नेक्स्ट मैंने लिया है वो है इनसाइड के ब्लशर और इस तरह से बहुत छोटे से क्यूट पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं ये। इस तरह के ये स्टडी ट्रेवल साइज्ड प्रोडक्ट्स हैं एंड ये टोटल 5 और 6 शेड्स में लॉन्च हुए थे एंड आई हैव 2 ऑफ देम। तो ये आप इजीली कैरी कर सकते हो अपने ट्रेवल मेकअप किट में। अगर आप बिगिनर हो या फिर आप कॉलेज गोइंग ऑफिस गोइंग गर्ल हो, अफोर्डेबल मेकअप आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप इनके साथ जा सकते हो। ये क्रीम ब्लश है एंड मैं आपसे शेयर कर देती हूँ किस तरह का इसका पिगमेंटेशन है। सो सिंगल स्वाइप पिगमेंटेशन है, इस तरह का है ये शेड। एंड सेकेंड शेड इज कैरेमल इक्लेयर। नेक्स्ट आई हैव बॉट अ नेल पेंट फ्रॉम साइड कॉस्मेटिक्स क्योंकि ये शेड मुझे काफी पसंद आया है। मैं दिखा देती हूँ किस तरह का ये शेड है, अदरवाइज किसी रील वीडियो और शॉर्ट्स वीडियो में मैं आपको जरूर दिखा दूंगी इसका स्वेच। सो इट्स अ ब्यूटीफुल बोल्ड पर्पलिश नेल पेंट। इसका शेड नंबर है 239 एंड इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है ₹45 जस्ट और ये भी मुझे ऑन सेल मिली थी। नेक्स्ट भी मेरे पास एक नेल पेंट है एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिंकी फ्यूशिया शेड है और ये बहुत प्यारा लगता है वेयर करने के बाद भी। ये पहले भी मैं बाय कर चुकी हूँ, आई कैन से इट्स माई रीपर्चेज। ये शेड मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, हर स्किन टोन पे काफी अच्छा लगता है। अगर आपको कुछ पिंक मैजेंटा सॉर्ट ऑफ नेल पेंट चाहिए तो डेफिनेटली आपको इसके साथ जाना चाहिए। इसका एक्चुअल प्राइस है ₹60। इट्स नॉट मैट, हल्की सी ग्लॉसी फिनिश ही आपको देते हैं बट इजिली 4 to 5 days ये आपके नेल्स पर रह जाती है। अगर आप ज्यादा काम करते हो तो थोड़ा सा कम चलेंगी बट ये चिप फ्री नेल पेंट्स हैं। नेक्स्ट आई हैव अ हैंड क्रीम फ्रॉम द ब्रांड चार्मिस डीप रेडियंस। इट इज इन्फ्यूज्ड विद विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड। पहले मुझे लगता था फालतू की चोचलेबाजी है ये, आप कोई भी बॉडी लोशन या बॉडी मॉइस्चराइजर यूज कर लो वो काफी अच्छे रहते हैं, हैंड क्रीम लेने की क्या जरूरत है। बट जब मैंने यूज किया तब मुझे समझ में आया कि ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट आया पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है ये। और जैसे ही आपको पता है कि ठंड जा रही है, स्प्रिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अब हैवी मॉइस्चराइजर की जगह पे हमें कोई लाइट वेट नॉन स्टिकी मॉइस्चराइजर की जरूरत होगी। तो मैंने सोचा चलो इसे बाय करके देखते हैं। इसका एक्चुअल प्राइस है ₹100 और ये किसी भी डिस्काउंटेड प्राइस में मुझे नहीं मिला है। मैंने बहुत मिक्स्ड इसके रिव्यूज देखे हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, कुछ लोगों को सूट किया कुछ को नहीं सूट किया, नहीं पसंद आया। तो मैं थोड़ा डाउट में थी इसे लेना चाहिए या नहीं, बट फिर मैंने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं। तो इसे यूज करने के बाद अपना एक्सपीरियंस डेफिनेटली किसी वीडियो में मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। चलो नेक्स्ट आई हैव बॉट अ हाइलाइटर फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स। इसका प्राइस है ₹105। ये सारे पहले 90 और 99 में आते थे। जब कोई प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाता है ना तो ब्रांड उसका प्राइस इंक्रीज कर देता है, तो सेम उसके साथ भी यही हुआ है। एंड दिस इज द शेड 06 कॉस्मिक पावर। के ब्लश की हाइलाइटर की पैकेजिंग ऑलमोस्ट सेम है। शेड मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह का ब्यूटीफुल चैंपियन शेड है ये एंड ये हर स्किन टोन को सूट करेगा। लेट मी शो यू द स्वेच। सो यहाँ दिखाती हूँ आपको मैं, सिंगल स्वाइप पिगमेंटेशन है इसका, काफी क्रीमी है ये एंड आई बिलीव ये बहुत ही एफर्टलेसली ब्लेंड हो जाते होंगे स्किन में। पिगमेंटेशन इज टू गुड गाइज एंड जल्दी ही मुझे अपना डेली मेकअप किट और ट्रैवल मेकअप किट अपडेट करना होगा। नेक्स्ट वन है नायका स्किन सीक्रेट्स का ये शीट मास्क। ये है टी ट्री प्लस एलोवेरा फॉर क्लियर मॉइस्चराइज्ड स्किन और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। नायका के शीट मास्क में मैंने सिर्फ 2 ही ट्राई किए हुए हैं एंड ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, इसलिए मैंने इसे ही परचेज किया हुआ है। इसका एक्चुअल प्राइस है ₹100 और ये मैंने 3rd time परचेज किया हुआ है। मुझे काफी ज्यादा पसंद इसलिए है क्योंकि जब भी वेदर चेंज होता है ना तो थोड़ा सा स्किन मेरी वियर्ड बिहेव करती है, उस टाइम पे मेरी स्किन को ये बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करता है, काफी सूट कर जाता है। अदरवाइज स्किन थोड़ा सा रफ ड्राई होने लगती है, कभी कभी थोड़ा सा ब्रेकआउट हो जाता है एक दो, तो उस टाइम पे मैं इसे यूज कर लेती हूँ।
नेक्स्ट आई हैव ये छोटू सा हेयर सीरम और ये है स्ट्रीक्स का हेयर सीरम वाइटलाइज्ड विद वॉलनट ऑयल। मैं इसे यूज कर चुकी हूँ, दिस इज माय रीपर्चेज एंड इसका एक्चुअल प्राइस है 60 और 65 रुपीज। ये मुझे 55 रुपीज का मिल गया था और मैं इसे अपने हैंडबैग में कैरी करती हूँ या ट्रेवल किट में कैरी कर लेती हूँ क्योंकि मेरे बाल ने काफी रफ एंड ड्राई फ्रिजी कर ली वेवी, तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एक अच्छा हेयर सीरम कैरी करना। ये भी मुझे काफी पसंद है, काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। रिसेंटली मैं माइग्लैम का सुपर फूड्स हेयर सीरम यूज कर रही हूँ, वो अभी मेरा करंट फेवरेट बना हुआ है, उसका एक डिटेल रिव्यू विद डेमो मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो जरूर चेक कर लीजिएगा। स्पेशली अगर आपके ड्राई फ्रिजी कर्ली वेवी हेयर है तो वो बहुत अच्छी तरह से आपको सूट करने वाला है एंड अफोर्डेबल भी है क्योंकि सेल पे आपको बहुत अच्छे प्राइजेस में वो मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मसाबा बाय नायका की नेल पेंट एंड दिस इज द शेड पटाका। ये मुझे 50% ऑफ में मिली थी, इसका एक्चुअल प्राइस है 199 रुपीज और मैंने इसे परचेज किया है 100 रुपीज में। बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड है ये, आई एम अनेबल टू डिस्क्राइब इट, बट जब भी इसका सेपरेट रिव्यू मैं आपसे शेयर करूंगी विद स्वाचेस क्योंकि इसके 4 और 5 शेड्स मेरे पास और हैं, तो डेफिनेटली मैं आपसे शेयर कर दूंगी रिव्यू विद स्वाचेस, तब मैं आपसे एक्सप्लेन कर दूंगी। बट इफ यू आर अ ब्राइड टू बी डेफिनेटली यू शुड ओन दिस शेड क्योंकि आपके हर ड्रेस के साथ ही काफी अच्छी तरह से जाएगा और आपका स्किन टोन चाहे जो भी हो ये आपके नेल्स पे बहुत प्यारा लगने वाला है। मसाबा बाय नायका वाली रेंज जो है नेल पेंट की वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, जब आप इन्हें नेल्स पे लगा लेते हो ना तो ऐसे एक्सपेंसिव लुक ये देती हैं। इसमें नींबू पानी भी मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है। मैं सर्च कर रही थी नायका में कोई अफोर्डेबल आई लाइनर एंड गेस व्हाट, मुझे क्या मिला, मुझे मिला ये ब्लू हेवन का 1 स्ट्रोक लिक्विड आई लाइनर। इस तरह का है ये, जैसे मेबेलिन की कोलोजल आई लाइनर की पैकेजिंग है जस्ट लाइक दैट इसकी भी पैकेजिंग है। आप देख सकते हो काफी अट्रैक्टिव लग रही है इसकी कार्डबोर्ड एंड इनर पैकेजिंग भी और इसका प्राइस है जस्ट 100 रुपीज। यस गाइज यू हर्ड मी राइट, और ये मुझे मिला है ऑन सेल आई गेस 80 रुपीज का, 20% ऑफ में मुझे मिला है ये, सो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसे ट्राई करने के लिए। लेट्स सी किस तरह का ये वर्क करता है, काफी सारे क्लेम्स यहाँ पे दिए हुए हैं तो एक सेपरेट रिव्यू विद डेमो मैं आपसे शेयर कर दूंगी कि ये वर्थ टू बाय है या नहीं। नेक्स्ट आई है अबाउट स्विस ब्यूटी का, आप देख सकते हो इस तरह से आईब्रो पेंसिल है ये, एक साइड पे यहाँ पे स्पूली दी गई है और यहाँ पे है ये शेड, मैंने लिया है जो है वो डीप ब्राउन शेड है एंड मैं आपको स्वाच दिखा देती हूँ इसका। ये काफी क्रीमी है एंड इजिली ग्लाइड हो रही है ये एंड आप देख सकते हो इस तरह का शेड है ये, हर तरह के ब्राउ हेयर कलर पे काफी अच्छी लगेगी। बट हाँ, अगर आपके ब्राउ हेयर डेंस नहीं है, ग्रोथ हल्की है, तो आपको इसका लाइटर शेड पिक करना चाहिए। इसका एक्चुअल प्राइस है 99 रुपीज और ये भी मुझे ऑन सेल काफी कम प्राइस में मिल गई थी एंड आप देख सकते हो स्पूली भी मिल रही है एंड आपको इस पेंसिल की लेंथ भी काफी अच्छी खासी मिल रही है। यू गेट 1.5 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट अप आई हैव बॉट पोर मिनिमाइजर प्राइमर एंड ये है फ्रॉम द ब्रांड इनसाइड कॉस्मेटिक्स। ये भी एक ट्रेवल साइज प्रोडक्ट है, इसका एक्चुअल प्राइस है 110 रुपीज। ये सारे के सारे ना 90 रुपीज में आते थे बट प्राइस बढ़ा दिए गए हैं अभी, और आप देख सकते इतनी छोटी सी क्यूट सी इसकी ट्रेवल साइज पैकेजिंग है, डेफिनेटली अपने ट्रेवल मेकअप किट में इसे जगह देने वाली हूँ मैं। लेट्स सी किस तरह का ये वर्क करता है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है ये, 10 ml की क्वांटिटी है इसमें, चल जाएगा फिर भी क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी की नीड होती है हमें प्राइमर की, अगर आप बिगिनर हो या आपको अफोर्डेबल प्राइमर चाहिए क्योंकि आप अगर डेली मेकअप यूज नहीं करते हो, आप ओकेजनली ही मेकअप करते हो, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आपका पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा और पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं करने पड़ेंगे। दिस टाइम आई हैव बॉट सो मेनी लिप लाइनर्स, सो अभी तो मैं इनके स्वाचेस नहीं आपसे शेयर करूंगी अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बट जो स्विस ब्यूटी का बोल्ड मैट लिप लाइनर है इसका एक रील मैंने आपसे शेयर किया हुआ है शॉर्ट्स वीडियो, तो मैं लिंक कर दूंगी, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। ये बहुत क्रीमी है एंड लॉन्ग लास्टिंग भी मैं कंसीडर करती हूँ इन्हें, इनका प्राइस है 69 रुपीज बट ये काफी कम प्राइस में मुझे ऑन सेल मिल गए थे, डेफिनेटली आपको ये जरूर ट्राई करने चाहिए। इसी रेंज का एक शेड है मेरे पास चेरी ब्राउन, इसका स्वैच मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। दीज आर हाईली पिगमेंटेड यू गाइज, बहुत अच्छी तरह से लिप्स को आउटलाइन कर सकते हो, आप फिल इन कर सकते हो, एज ए लिपस्टिक आप इन्हें वेयर कर सकते हो, सो दिस इज द शेड चेरी ब्राउन, ये हर स्किन टोन पे काफी अच्छा लगेगा। सो अगर आपके पास कोई भी रेडिश ऑरेंज शेड है या ऑरेंज लिपस्टिक के साथ भी वेयर कर सकते हो आप, सो आप देख सकते हो इस तरह का ये शेड है। गिव अ क्विक रिव्यू विद स्वाचेस इन नेचुरल लाइट्स मैं आपसे जरूर शेयर कर दूंगी क्योंकि कोई भी आप चीज बाय कर रहे हो ना तो कभी कभी ऐसा लगता है ऑनलाइन जब हम परचेज करते हैं प्रोडक्ट तो हाँ शेड्स डिफरेंट दिखते हैं, बट जब प्रोडक्ट हमें रिसीव होता है तो हम देखते हैं कि सिमिलर काइंड ऑफ शेड्स रिसीव हो गए हैं, तो स्वैचेस मैं आपसे शेयर कर दूंगी, रिव्यू शेयर कर दूंगी, तो आपको इनमें कंफ्यूजन नहीं होगा एंड आप इजिली पिक कर पाएंगे जो भी आपके लिए परफेक्ट शेड होगा। नेक्स्ट जो है वो इस तरह के दो लिप लाइनर है, इसका एक रेड शेड है ऑलरेडी, उसका मैंने शॉर्ट्स वीडियो आपसे शेयर कर दिया है स्वैचेस का, तो आप चेक कर लीजिएगा, उसको भी मैं लिंक कर दूंगी। एंड ये लिए हैं इस तरह के मैंने दो लिप लाइनर, ये स्विस ब्यूटी का जो सबसे अफोर्डेबल रेंज है उसमें से मैंने पिक किया हुआ है, इसका एक्चुअल प्राइस है जस्ट 49 रुपीज। एक का मैं आपको स्वाच दिखा देती हूँ, आप देख सकते हो कितनी बड़ी पेंसिल मिल रही है आपको ये, सो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, दीज आर हेल्प पिगमेंटेड यू गाइज, काफी क्रीमी है ये,
एंड डार्क पर्पल शेड है ये, आपकी पिंक मेजेंटा पर्पलिश लिपस्टिक्स के साथ काफी अच्छी तरह से ये जाएगा। ओके ना, जो नेक्स्ट है मेरे पास वो भी है फ्रॉम द ब्रांड इनसाइड और मैंने लिया है लिप ग्लॉस। इसका क्लियर लिप ग्लॉस भी मैंने अभी परचेज किया था बट आई डोंट नो वो कहाँ रख दिया, मुझे मिल नहीं रहा है। सो जो मैंने शेड अभी पिक किया हुआ है वो है टेम्पटेशन। इसका स्वेच मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, काफी ज्यादा ट्रेंड में है लिप ग्लॉसेस आजकल। सो इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ग्लॉसी लुक आपको ये देते हैं। इस तरह का है ये, आपका स्किन टोन चाहे जो भी हो आप ब्यूटीफुली फ्लॉन्ट कर पाएंगे। विदाउट लिपस्टिक भी आप इसे कैरी कर सकते हैं। इसका एक्चुअल प्राइस है 81 रुपीज एंड दिस पर्टिकुलर शेड इज ऑन हाई डिमांड। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर शेड है और अक्सर ये आउट ऑफ स्टॉक रहता है। ऑलराइट यू गाइस, ये हॉल वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको पसंद आया होगा, थोड़ी बहुत तो हेल्प मिली होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि जो भी मेरे अपकमिंग वीडियोस हैं, चाहे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस हों चाहे शॉर्ट्स हों, उन सभी की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले, मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आप चाहे तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे सोशल मीडियाज पे, उन सभी के लिंक्स मैंने मेंशन कर दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।